सर कहाँ हैं? तो क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे ये कोरियोग्राफर नहीं स्टाफ लग रहे थे। टाइम जैसे सो तो के उठ के आया अपना मतलब डर। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि वीडियो क्या है। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं जो अपनी पहली मैरिज लाइफ थी, मेरी जो पहले शादी थी, उसके बारे में मैं कोई भी जिक्र यहाँ पे नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरा पास्ट था। तो उसके बारे में मैं नहीं बताना जरूरी समझ रही हूँ, क्यों जब वक्त आएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर सामने आएगा। सॉरी, तो इसलिए मैं इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि ना तो मुझे उसकी लाइफ से कोई लेना देना, ना उसको मेरी लाइफ से कोई लेना देना, तो क्यों उस चीज के बारे में डिस्कस करना। अगर वक्त ऐसा आया तो जरूर डिस्कस होगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ऐसा नहीं आएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि हम आरके से कैसे मिले। आज हमारी पोल खुलने वाली है, वो आरती ही बताएगी जरूरत पड़ा तो। तो आरके, आपसे मेरी फर्स्ट मुलाकात कब और कहाँ हुई? फर्स्ट मुलाकात हुई है मेरी डांस क्लास में। डेट? हाँ, डेट सॉरी याद नहीं है। डेट याद नहीं है? नहीं। अरे एक मिनट। और मेरे डांस इंस्टीट्यूट का नाम था D3 डांस इंस्टीट्यूट, यानी स्कूल D3 डांस स्कूल। डायरेक्टर हम ही थे, कोरियोग्राफर भी हम ही थे। ऐसा टाइमिंग था कि वो दोपहर का टाइम था, इतना तो याद है, 1 से 2 बज रहा होगा उस टाइम का। हम रूम में सोए थे, इधर लॉक की यानी अपना होता है ना, एक गेट होता है डांस क्लास का। आवाज दी, सीधी सी बात है, आवाज दी, कोई है क्या सर, कोई है क्या सर। हम तो सोए थे भाई, सोते सोते यानी हम ये देखें कि कौन सा आवाज दे रहा है, कौन दे रहा है, जो भी हो बाहर आए। उसके बाद ये क्या बोली, इनसे आप जानो। मैं इनसे डायरेक्टली जैसे ये बाहर आए तो मैं पूछी कि सर कहाँ हैं? तो क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे ये कोरियोग्राफर नहीं स्टाफ लग रहे थे रियलिटी, क्योंकि अब एक कोरियोग्राफर जो होता है उनके, अब जैसे मतलब ये मतलब उसके बाद जो चेंज होके आए तो बहुत ही अच्छी लुक में आए थे, लेकिन उस टाइम जैसे सो तो के उठ के आया अपना मतलब डायरेक्टली। ये तो गलत बात है ना, लोग तो लोअर गंजी में ही ना रूम पे सोएगा। हाँ, वो मेरी मिस्टेक है, इसके लिए मैं इसको सॉरी बोल रही हूँ। स्टाफ समझ ली डांस क्लास का, कोई नहीं। तो उसके बाद मैं इनसे पूछी कि सर कहाँ हैं? तो फिर ये बोले क्या क्या बात है, बोलते बताइए। तो मैं अपने बाबू को, ऋत्विक मेरा बेटा, उसको ले मेरा बेटा, हाँ हमारा बेटा, हाँ हमारा ठीक बेटा। तो ऋत्विक को लेके ही गई थी, वो छोटा सा ही था, कितना साल था, 4 साल ना? हाँ, साढ़े तीन साल, पौने चार मान लो। हाँ, तो था, तो पौने चार साल तो समझते ही होंगे आप लोग। हाँ, साढ़े तीन और मतलब तीन और चार के बीच का, ये सोच लो 3 साल 7 महीने का होगा शायद। तो फिर हम लोग मतलब लेके गए बाबू को, उसके बाद पूछे तो इनसे हम पूछे कि सर कहाँ है? तो ये बोले क्या बात है। तो फिर हम लोगों ने, मैं बोली कि मुझे बाबू के लिए मतलब बाबू का एडमिशन करवाना है, इसको डांस सिखाना है। तो ये बोले क्या कि 500 ना, 500 एडमिशन फीस और 500 मंथली वो एडवांस जमा करना हाँ। पड़ेगा, और कुछ फॉर्म था उसको फिल करना होगा। तो फिर हम सिर्फ देख के उसके बाद चले गए, बाबू को थोड़े देर रखे। मेरा बाबू उस टाइम बिल्कुल भी नहीं सीखता, बहुत रोया था। तो मतलब बच्चे सबके साथ थोड़ा घुलने में तो टाइम लगता ही। तो फिर हम लोग उसके बाद बोले ओके सर, तो फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो फिर जाके कितना फरवरी में, 4 फरवरी को, याद रखिएगा भी, 4 फरवरी को मैं एडमिशन करवाने गई थी, जब मेरी मम्मी ने पैसा भेजा था एडमिशन के लिए, तो बाबू का और मैं खुद का भी करवाई थी। तो मैं पहले भी बता चुकी कि मैं अपने पहले हस्बैंड के बारे में कोई मैटर नहीं करूंगी, कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगी, क्योंकि वो पास्ट भी है और उसके बारे में करना भी नहीं चाहती, किसी के बारे में मैं नहीं करना चाहती। तो बस ये वहां से कट करती हूँ कि मतलब आपको ये बताया जा रहा है हमसे कैसे मिले, मेरे से प्यार कैसे हुआ, लव। तो फिर हम लोग जब डांस क्लास गए तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, अभी भी मुझे कुछ नहीं आता, खड़ू से सीखी भी नहीं मैं कुछ, क्या बोलूं इसको मैं अभी, क्योंकि मैं सीखती ही नहीं थी। बाबू को सिखा रहे थे, उसके बाद जाके फिर हम लोग में एक फ्रेंडशिप हुई, एक दूसरे के बारे में मतलब बात हुई, जाने एक दूसरे के बारे में। फिर इसकी इनसे मुझे तब से मतलब ज्यादा हम लोग फ्रेंड हुए, फ्रेंड ओनली फ्रेंड, जब इनकी फैमिली नहीं थी, मतलब एक होता ना कि अटैचमेंट की फैमिली नहीं, कोई नहीं, इमोशनल हो गई थी मैं, ये इसकी प्रॉब्लम थी। हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम थी। उसके बाद मुझे मतलब ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे मतलब फील आना एक दूसरे को लेके, कि जो मैं
सामने वाले बंदे में ढूंढ रही थी, वो शायद मुझे नहीं मिल रहा था, शायद मे भी, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं करूंगी, वो वक्त आने पे हो सकता है। तो फिर एक दूसरे को समझे। तो ये बताइए कि प्यार का फीलिंग कब स्टार्ट हुआ? चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता। ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम डांस सिखाएं और प्यार हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी से भी ऐसा नहीं होता है। ये पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि ये ऊपर वाला का लिखा हुआ था, बोलते ना सब। हाँ। ये जो रियलिटी है इस दुनिया में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो एक चीज ये भी है कि ये प्यार शुरू हुआ है चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे सॉन्ग से, लेकिन स्टार्ट किसके दिल में हुआ था ये अभी तो नहीं बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, कोशिश कर रहे पूरा शॉर्ट शॉर्ट करके हम बताएंगे। तो ये चीज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, किस गाने से कैसे हुआ, वो कब क्या हुआ, जो भी रहेगा मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाकी ये बताएंगे जो भी। तो बाकी वीडियो मेरी हो जाएगी बहुत ज्यादा ही लंबी, और जो भी बताना होगा तो वो मैं बताऊंगी कि हम लोग कैसे क्या किए, हमारी स्ट्रगल कैसे चली लॉकडाउन में, हमने क्या किया, कैसे किया। के बाद से मुंबई से कहानी शुरू होगी, अब वीडियो जो भी बनेगा हमारा वहां से, उसी बीच में हम आपको बताएंगे इनसे प्यार, उस प्यार कैसे हुआ और कहां जगह, ये चीज हम आपको वहां बताएंगे, यानी तो, वीडियो मुंबई वाली में, यानी तो, वीडियो शूट यहीं पे होगी, कहानी रहेगा मुंबई का लॉकडाउन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, प्लीज टेक केयर।